बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खून का बदला खून, अगर उन्होंने गोली मारी है तो बहुजन समाज के लोगों को भी उनको गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं बहुजन समाज के साथियों से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि साथी मुझे एक बात बताइए, अगर आप खून के बदले खून चाहोगे तो क्या जो व्यवस्था हमारे देश में बनी हुई है या बिगड़ी हुई है, क्या आपके यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अहंकार के कारण इन दोनों लोगों ने अपनी जान खो दी? अगर यहीं पर वो अपने धैर्य का थोड़ा सा परिचय देते तो शायद आज वो लोग इस दुनिया में। ये बात बिल्कुल सो आने सही है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ में परिवार में अच्छे संस्कार सिखाए जाते, हमें धैर्य सिखाया जाता, हमें संयम करना सिखाया जाता। तो जो घटनाएं यूपी के संभल जिले में घटी है शायद वो घटी है, भले उन्होंने उकसाया लेकिन उनके पास भी बुद्धि थी और बुद्धि होने के साथ साथ वो अपनी बुद्धिमता का परिचय भी दे सकते थे। यहाँ पर वो चुपचाप जा सकते। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों मैं बात करूंगी आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई दोहरे हत्याकांड को लेकर, जहां पर एक ही दिन एक ही समय एक ही साथ बहुजन समाज के दो लोगों को दिन दहाड़े गोली की नोक पर मौत के घाट उतार दिया गया। साथियों आखिर यहां पर सवाल खड़ा होता है कि गोली मारने वाले कौन लोग थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है वो देखा होगा। साथियों गोली मारने वाले जो लोग थे वो ब्राह्मण समाज के थे और बात वहां पर सिर्फ इतनी थी कि आपसी रस्ते को लेकर वहां पर मतभेद चल रहा था और दोनों गुटों में काफी मतभेद हो गया था, लेकिन मतभेद इतना बढ़ा कि वो आपसी गाली गलौज पर भी आ गया। लेकिन जो वहां पर एकत्रित लोग थे उन्होंने दोनों गुटों के बीच में सुलह कराई और सुलह कराकर उन दोनों गुटों को अलग अलग कर दिया। जिन लोगों के पास में हथियार थे वो लोग अपने घर की तरफ कच्चे रास्ते से जा रहे थे, वहीं जो बहुजन समाज के जो दो व्यक्ति थे जिनकी हत्या हुई है, छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे सुनील दिवाकर, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और जिन लोगों के पास में हथियार थे लगातार उनके पीछे जा रहे थे। और कई बार हमने वीडियो में भी सुना है कि उन्होंने अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया, माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं इस घटना को अगर साथियों हम इस घटना का विश्लेषण करें इस वीडियो के माध्यम से, तो हम कहीं ना कहीं पाएंगे कि इस घटना में सिर्फ दोषी खाली ब्राह्मण समाज के लोग नहीं थे, बल्कि बहुजन समाज के वो दो लोग भी उतने ही दोषी हैं जितने कि ब्राह्मण समाज के लोग थे। क्योंकि साथियों वो लोग चुपचाप से अपने हथियार लेकर वहां से जा रहे थे, लेकिन लगातार बहुजन समाज का जो साथी है यहाँ पर जिनकी चर्चा हो रही है, छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे सुनील दिवाकर, वो बार बार उन लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे और साथियों उकसाने का ही कारण बना कि उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन साथियों यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अहंकार के कारण इन दोनों लोगों ने अपनी जान खो दी। अगर यहीं पर वो अपने धैर्य का थोड़ा सा परिचय देते तो शायद आज वो लोग इस दुनिया में जीवित होते। साथियों अगर सही मायने में हम इस वीडियो का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दोनों पक्षों में काफी मतभेद हुआ और उस मतभेद को जो गांव के लोग थे वहां पर उनकी सलाह के द्वारा उसको समाप्त भी कर दिया गया और जो लोग हथियार से युक्त थे वो लोग अपने गाँव की तरफ प्लान कर रहे थे और वो शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पीछे से जो छोटे लाल दिवाकर जी थे और उनके बेटे सुनील दिवाकर जी थे लगातार अपने क्रोध का परिचय देते रहे और उनकी जो एक बदले की भावना थी शायद वो शांत नहीं हो पा रही थी और वो लगातार कुछ अपशब्द से उस ब्राह्मण समाज के लोगों को संबोधित भी कर रहे थे और साथियों यही कारण बना कि लगातार उकसाते रहे और उकसाने का कारण उनको अपनी जान खोकर देना पड़ा। साथियों एक सोचने वाली बात ये है कि अगर वो दोनों लोग धैर्य से काम लेते तो आज वो हमारे बीच में जीवित होते, लेकिन उनका जो क्रोध था और जो उनके मन में एक बदले की भावना थी, बदले की भावना ने उन दोनों व्यक्तियों के जीवन को छीन लिया। लेकिन यहाँ पर साथियों बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और ज्यादातर प्रतिक्रिया क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खून का बदला खून, अगर उन्होंने गोली मारी है तो बहुजन समाज के लोगों को भी उनको गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं बहुजन समाज के साथियों से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि साथी मुझे एक बात बताइए, अगर आप खून के बदले खून चाहोगे तो क्या जो व्यवस्था हमारे देश में
बनी हुई है या बिगड़ी हुई है, क्या आप उसको सुधार पाओगे? साथियों, बदले की भावना रखकर हम कभी भी ना तो अपना भला कर पाएंगे और ना ही समाज का भला कर पाएंगे और ना ही अन्य लोगों का भला कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो बदले की भावना है, सबसे पहले तो उसको त्यागना पड़ेगा। लेकिन मैं इसकी भी बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि जो ब्राह्मणों के द्वारा बहुजन समाज के लोगों को मारा गया, क्योंकि मैं इसकी भरसक निंदा करती हूँ, क्योंकि वो लोग भी उतने ही दोषी हैं। भले उन्होंने उकसाया, लेकिन उनके पास भी बुद्धि थी और बुद्धि होने के साथ साथ वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दे सकते थे। यहाँ पर वो चुपचाप जा सकते थे, लेकिन अगर कोई सामने वाला व्यक्ति उनको उकसा रहा है और वो उकस रहे हैं, तो साथियों वो भी उतने ही बराबर के दोषी हैं। वो पकड़े तो गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, और उनको कानून के माध्यम से जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन साथियों, यहाँ पर हमें एक भविष्य के लिए सीख भी मिलती है कि चाहे बहुजन समाज के, मैं कहूंगी कि किसी अन्य के भी झगड़े हों, तो हमें वहां पर धैर्य से और संयम से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो छोटे लाल दिवाकर जी थे, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अगर ये घटना आगे बढ़ती है तो इसका क्या अंजाम होगा। लेकिन अब उनके परिवार से पूछ कर देखिए, या वो जो दूसरा ब्राह्मणवादी परिवार रहा है उनके लोगों से पूछ के देखिए कि आज दोनों परिवार किस तरह से दुख में डूबे हुए हैं। साथ ही उसमें ना तो इस परिवार का दोष था और ना ही इस परिवार का दोष था, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो संस्कार है उनका दोष जरूर था। क्योंकि अगर हमें परिवार में अच्छे संस्कार सिखाए जाते, हमें धैर्य सिखाया जाता, हमें संयम करना सिखाया जाता, तो जो घटनाएं यूपी के संभल जिले में घटी है, शायद वो घटनाएं नहीं घटती। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों से भी अपील है, क्योंकि साथियों हम प्रतिक्रियाएं देना बहुत जानते हैं। अच्छी बात है कि हमें जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ हमारे अंदर होश होना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को हम अगर जोश के साथ में, होश के साथ में करते हैं तो वो सही दिशा में होगा। लेकिन हम किसी भी काम को खाली जोश जोश में कर दे और होश में ना करें, तो उसका परिणाम जिस तरह से संभल जिले के बहुजन समाज के दो साथियों को और उनके परिवार को भुगतना पड़ा, और जो ब्राह्मण समाज के जो दो व्यक्ति हैं उनके परिवार को भुगतना पड़ा, तो इस तरह से ये परिणाम शायद सबको भुगतने पड़ जाए। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि ये सिर्फ सत्ता का कमाल है, क्योंकि साथियों जिसकी सत्ता मजबूत होती है उसके हाथ भी मजबूत होते हैं। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल 100 आने सही है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ भी मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं बहुजन समाज अपनी सत्ता बनाता, अगर सत्ता की ही बात है। साथियों ये सत्ता की बात नहीं है, बल्कि ये मानसिकता की बात है, क्योंकि आज हमारी मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है और इतनी छोटी हो चुकी है कि हम एक इंसान को इंसान के दायरे में ना रखकर एक जानवर के दायरे में रख रहे हैं। आज छोटी छोटी चीजों को लेकर जिस तरह से हत्याएं हो रही, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हत्या हो या छोटी छोटी बातों को लेकर हत्या हो, आज व्यक्ति अपना संयम लगातार खोता जा रहा है और छोटी छोटी बातों पर दिन दहाड़े वो हत्या जैसे मामलों को भी अंजाम देते हुए नहीं डरता है। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि साथियों ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे भी पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रही हैं, और यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों को एक सीख लेने की जरूरत है। साथियों हमें संयम बनाकर रखना और पूरे होश के साथ में काम करना, ताकि हम अपने बहुजन समाज को संगठित कर एक सही दिशा और सही दिशा में ले जा सके। अन्यथा इसी तरह हम किसी की गोली का, किसी के चाकू का, किसी की लाठियों का शिकार होते रहेंगे। साथियों सोचने का समय सोचना होगा, लेकिन इंसाफ तो उन लोगों को मिलकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो गलती हमारे अपने समाज के लोगों से हुई है, क्योंकि साथियों मैंने वो वीडियो अच्छे तरीके से देखा है, अच्छे तरीके से उसका एनालाइज किया है, अगर मेरे बहुजन समाज के लोग वहाँ पर थोड़ा सा संयम बरतते तो आज दोनों परिवार अपने अपने जीवन में खुशहाल होते। तो साथियों एक सीख लेने की जरूरत है इस घटना से, और जो विवाद उन दोनों लोगों के बीच में हुआ था उस विवाद को आसानी से न्यायालय के माध्यम से निपटाया जा सकता था। लेकिन साथियों यहाँ पर ना तो वो न्यायालय के पास गए, ना ही वो समाज के पास गए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो मैं कहूंगी कि अपनी मंद बुद्धि है उसका परिचय दोनों ने दिया है, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो या बहुजन समाज के लोग हो। और सबसे बड़े दुख की बात तो साथियों ये है कि वो मामला जहां तक हमने वीडियो देखा वो मामला पूरी तरह से शांत हो गया था। जो हथियार से युक्त ब्राह्मण समाज के लोग थे वो अपने घर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेरे बहुजन समाज के लोग शायद कुछ ज्यादा ही जोश में थे और उन्होंने बार बार उनको उकसाने का काम किया, बार बार ललकारने का काम किया, और साथियों वही ललकारने का कारण उनकी जान गंवाने का कारण बन गया। तो इसीलिए मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी, यहाँ पर मेरे बहुत सारे साथी बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर सत्ता की ही बात है तो यहाँ पर जो छोटे लाल दिवाकर जी हैं वो सत्ता में भी हैं, वो सपा पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनकी जो जीवन संगनी है वो वहाँ की प्रधान भी है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे पक्ष को देखें जिनके हाथों में हथियार थे, राइफल लहरा रही थी,
वो उनके पास कोई भी सत्ता नहीं है, ना ही उनके परिवार में कोई व्यक्ति सत्ता में है। वो लोग तो इतना विवाद होने के बावजूद भी जो गांव के लोगों ने सुलह कराई वो आसानी से चुपचाप से जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेरे बहुजन समाज के लोग बार बार उनको ललकारने का काम कर रहे थे और साथियों वही ललकारने का कारण उनकी मौत का कारण बना। तो इसलिए मैं अपने समाज से आग्रह करूंगी कि साथियों इस विवाद में सत्ता का कोई भी लेना देना नहीं है और ये हत्या सत्ता के कारण नहीं हुई बल्कि ये हत्या आपसी अहंकार के कारण और आपसी अहम के कारण हुई है। तो इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से आग्रह करूंगी साथियों धैर्य से काम ले क्योंकि उन लोगों को सजा तो जरूर मिलकर रहेगी और भविष्य के लिए ये एक सबक है, ऐसे सबक से हमें सीख लेनी चाहिए, नहीं तो साथियों इसी तरह से हम टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर अपनी जान को गंवाते रहेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।